नमस्कार, आई होप आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज से जुड़े कुछ मिथ्स, कुछ गलतफहमियां जो लोगों के बीच काफी फेमस हैं। इन मिथ्स को हमें सुधारना जरूरी है क्योंकि इसमें पढ़कर डायबिटिक पेशेंट और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर चले जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो मिथ्स, वो गलतफहमियां जिसे हमें सुधारने और समझने की जरूरत है। पहला मिथ है फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट अक्सर आके कहते हैं कि उनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है तो उन्हें डायबिटीज हो ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज होगा तभी आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको भी डायबिटीज हो सकती है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है नो प्रॉब्लम नो ट्रीटमेंट। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें डायबिटीज कोई प्रॉब्लम दे नहीं रहा तो उन्हें ट्रीटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी प्रॉब्लम बढ़ने का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम बढ़ने का वेट करेंगे तो ये आपके बाकी ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज दे सकता है। तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट आप कंटिन्यूस लेना स्टार्ट करें। तीसरी गलतफहमी है बॉर्डरलाइन डायबिटीज। यदि किसी मरीज को डायबिटीज है लेकिन उसका शुगर बॉर्डरलाइन पर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे ट्रीटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके डॉक्टर भी यदि आपको डायबिटीज की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो साथ में वो ये भी देखते हैं कि आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, किडनी जैसी बीमारियां। अगर आपको ये सब बीमारी है और आपका शुगर भी बॉर्डरलाइन पे है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। चौथा मिसकंसेप्शन है वेट। लोगों को लगता है कि वो ओवरवेट नहीं है तो उन्हें डायबिटीज नहीं होगी। हाँ, ये जरूर सही बात है कि जो ओवरवेट होते हैं या ओबेज होते हैं उन्हें डायबिटीज का खतरा ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका शरीर दुबला पतला है तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। अगला मिसकंसेप्शन है इनएबिलिटी टू डू एक्सरसाइज। डायबिटिक पेशेंट्स को ये लगता है कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी बॉडी वीक हो जाएगी, उन्हें चक्कर आने लगेंगे। डायबिटिक पेशेंट्स में ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लेकिन होता इसका उल्टा है। डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है ताकि उनका ग्लूकोज लेवल बॉडी में मेंटेन रहे। हाँ, एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें, डायबिटिक पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन की परेशानी रहती है, तो समय समय पर ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बरकरार रहे। अगला मिसकंसेप्शन एक गलत धारणा है। डायबिटिक पेशेंट्स को स्पेशल डाइट की जरूरत होती है और वो स्वीट्स नहीं खा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा और ओकेजनली स्वीट्स खाएं तो आप स्वीट्स खा सकते हैं, आप मीठा खा सकते हैं। हाँ, अगर आप स्वीट्स ज्यादा खाते हैं तो आप एक्सरसाइज भी रेगुलर रखें ताकि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो कंपनसेट हो सके। आठवां मिसकंसेप्शन है कि मेरी शुगर लेवल नॉर्मल हो चुकी है, अब मैं डायबिटीज की दवाई बंद कर सकता हूँ। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। बिना डॉक्टर की परमिशन के आप अपने हिसाब से दवाई लेना बिल्कुल बंद ना करें। अपनी डोज और अपने टाइम को मैनेज करके अपनी मेडिसिन को प्रॉपर लें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको दवाई बंद करनी है तभी आप ऐसा कुछ करें, बाकी ऐसा करने का आप बिल्कुल ना सोचें। ये आपको और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जा सकती है। आखिरी मिसकंसेप्शन है इंसुलिन। लोगों के मन में काफी घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है इंसुलिन का नाम लेते ही। उनके मन में काफी सारे मिसकंसेप्शन है इंसुलिन को लेकर, जैसे कि इंसुलिन लेने की उन्हें आदत पड़ सकती है, लाइफ लॉन्ग उन्हें इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंसुलिन काफी पेनफुल होता है, इंसुलिन से काफी साइड इफेक्ट होते हैं, प्लस लोग क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो लोगों के मन में बसे हुए हैं। मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूर करना चाहूंगी। इंसुलिन आपकी बॉडी की जरूरत है, आदत नहीं। इंसुलिन आपकी बॉडी में कोई डैमेज नहीं करता, बल्कि ये आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज और मेंटेन करने का काम करता है। रही पेन की बात कि आपको पेन होगा, लेकिन आज के समय में जो इंसुलिन की निडल आती है वो काफी बारीक होती है, तो आपको पेन नहीं होगा। रही सोशल स्टिग्मा की बात कि लोग क्या कहेंगे कि आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो लोग तो बिना कुछ कहे या बिना कुछ करे भी काफी कुछ कह जाते हैं, तो आपको उनकी बातों को इग्नोर करना है और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आज के समय में डायबिटीज से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन यूज की जाती है सबसे ज्यादा सेफेस्ट इंसुलिन को माना जाता है, तो आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि इंसुलिन से आपकी बॉडी में कोई डैमेज होगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।